नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद और आपके साथ मैं हूं वृष्टि त्यागी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। सांस्कृतिक पुनर्जागरण में गीता प्रेस का अहम योगदान। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर व अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद देश में बढ़ रही है धार्मिक तीर्थ यात्रियों की संख्या। यूपी के गलगोटिया विश्वविद्यालय, यूथ फाउंडेशन और प्रेरणा शोध संस्थान नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में 26 से 27 अगस्त तक 2 दिवसीय लघु फिल्मोत्सव का होगा आयोजन। 200 फिल्में नामांकित, 60 फिल्में स्क्रीनिंग के लिए चयनित। यूपी के बाराबंकी में 8वीं में पढ़ने वाली मजदूर की बेटी पूजा ने कबाड़ से बनाया देशी थ्रेसर, प्रदूषण की रोकथाम में है सहायक। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने की प्रशंसा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा पेड़ लगाने की अनुमति। बोले, पुराणों में है 12 प्रकार के वनों का उल्लेख। यूपी के मथुरा में समाज की मुख्य धारा से जुड़कर खूबसूरत राखियां बना रहे हैं दिव्यांग और मूक बधित बच्चे। बांके बिहारी जी और देश के वीर जवानों को करेंगे समर्पित। उत्तराखंड के देहरादून में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं बना रही हैं इको फ्रेंडली राखियां। आर्थिक रूप से सक्षम होकर पर्यावरण संरक्षण का भी दे रही है संदेश। उत्तराखंड की बेटी सृष्टि लखेरा की फिल्म एक था गांव को मिला 69वां नेशनल फिल्म पुरस्कार। पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी पर है आधारित फिल्म। योगी सरकार का बड़ा निर्णय, पीएम स्वनिधि से जुड़े रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को मिलेगा 5 लाख का दुर्घटना बीमा। यूपी के मिर्जापुर में मदरसा सर्वे में बड़ा खुलासा, बिना मान्यता के चल रहे थे 8 मदरसे। सर्वे के दौरान अधिकांश शिक्षक और छात्र मिले गायब। यूपी के मुरादाबाद में 500 से अधिक गांवों में खुले पुस्तकालय, गरीब बच्चों को मिलेगी सहायता। अगले महीने से पहुंचने लगेंगी दान में मिली पुस्तकें, समाज के सहयोग से होंगे संचालित। आज के समाचारों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।